जय जिनेन्द्र, वेलकम टू माय जैन रेसिपी। मैं हूँ जीना। आज मैं बनाऊंगी चौमासा स्पेशल राजमा चावल, जिसे हम बहुत ही कम मसालों के साथ झटपट बनाएंगे, तो सबके लिए बनाना बहुत आसान रहेगा और घर में मिलने वाले इंग्रेडिएंट से ही बना सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं जैन राजमा चावल। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करिए, उससे मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगी। राजमा चावल बनाने के लिए मैंने यहाँ आधा कप डार्क वाले राजमा यूज़ किए हैं। वैसे पंजाबी स्टाइल से राजमा चावल बनाने के लिए चित्रा राजमा का यूज़ करते हैं, जो थोड़े बड़े और क्रीमिश कलर के होते हैं। तो आपके पास जो राजमा हो वो ले सकते हो, सिर्फ अच्छे से पकने बहुत ज़रूरी है। अब राजमा को वॉश करके इस तरह उबलते पानी में डाल देंगे और गैस बंद कर देंगे और ढक कर 5 से 6 घंटे के लिए भिगने देंगे। और यहाँ मैंने 1 कप बासमती राइस लिए हैं, जिसे हम 3 से 4 बार अच्छे से वॉश कर लेंगे और वॉश करने के बाद इसे भी हम 1/2 घंटे के लिए भिगने देंगे। और यहाँ 6 घंटे के बाद राजमा अच्छे से भीग के फूल गए हैं। इस तरह आप चेक भी कर सकते हो। राजमा को हाथ में लेकर थोड़ा प्रेस कर देंगे तो इजीली छिलका निकल रहा है, यानी ये राजमा अच्छे से भीग गए हैं। अब कुकर में थोड़ा पानी डालकर डिब्बे में राजमा डाल देंगे। जो भिगाया था वो पानी मैंने निकाल दिया है और 1/2 कप राजमा में 2 कप पानी ऐड करेंगे और 1/2 टीस्पून नमक भी ऐड करेंगे। अब डिब्बे को ढककर कुकर बंद कर देंगे और 1 सीटी हाई फ्लेम पर और 5 से 6 सीटी स्लो फ्लेम पर लगाएंगे। अब जब तक कुकर में सीटी लग रही है तब तक हम राइस बॉईल कर लेंगे। उसके लिए टोप में 4 कप पानी गर्म करने रख दिया है और इसमें 1/2 टीस्पून नमक, थोड़ा सा नींबू का रस और 1/2 टीस्पून ऑयल डालकर मिक्स कर लेंगे और जो भिगाए हुए चावल थे वो भी ऐड करेंगे और मिक्स करके मीडियम टू हाई फ्लेम पर बॉईल कर लेंगे। देखिए, राइस को इस तरह खुले ही उबलने देना है। 5 से 6 मिनट के बाद राइस को आप इस तरह प्रेस करके चेक कर लेंगे। राइस को हमें 80% ही कुक करना है। अब राइस में से गर्म पानी निकाल देंगे और छन्नी में जो नीचे ठंडा पानी है उसे भी साइड में कर देना है और राइस को थोड़ा स्प्रेड करके 1/2 घंटे के लिए ऐसे ही रहने देंगे। तब तक हम राजमा के लिए ग्रेवी तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ 3 मीडियम साइज़ के टमाटर को काट लिया है। अब इसे हम छोटे मिक्सर बाउल में डाल देंगे और 2 कटी हुई हरी मिर्ची भी ऐड करेंगे। अब ढक्कन लगाकर फाइन क्रश करके पेस्ट बनाएंगे। अब राजमा बनाने के लिए कढ़ाई में 1 टेबलस्पून ऑयल डाल देंगे और इसमें 1 टीस्पून जीरा डालकर जीरा को फ्राई कर लेंगे और 1/4 टीस्पून हींग डालकर इसे भी मिक्स कर लेंगे और जो हमने टमाटर मिर्ची को क्रश करके पेस्ट बनाई थी वो भी ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें 1/2 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून धनिया जीरा पाउडर और 1/2 टीस्पून सूंठ पाउडर ऐड करेंगे और सारे मसाले को अच्छे से मिक्स कर देंगे और पकने देंगे। अब इसे हम ढक कर 1.5 से 2 मिनट के लिए पकने देंगे और बीच बीच में 1 से 2 बार खोलकर मिक्स कर लेंगे और इसे हम वापस ढक देंगे, क्योंकि ग्रेवी उबलती है तो बहुत सारे छींटे उड़ते हैं। 1.5 से 2 मिनट के बाद वापस ढक्कन खोल देंगे और एक बार चम्मच से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ हम राजमा को भी चेक कर लेंगे। देखिए, राजमा अच्छे से बॉयल हो चुके हैं और राजमा को हम इस तरह हाथ से थोड़ा प्रेस करके भी चेक कर लेंगे। इस तरह राजमा मैश होने चाहिए। अब ढक्कन खोल देंगे। टोटल हमने ग्रेवी को 5 से 6 मिनट पकाया है और ग्रेवी को बहुत अच्छे से पकाना है। साइड से ऑयल भी अच्छे से छूटने लगा है। अब बॉईल किए हुए राजमा को पानी के साथ ही ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए, इस तरह कढ़ाई को पकड़कर राजमा को चम्मच से थोड़ा प्रेस कर देंगे और हल्का मैश कर लेंगे, जिससे राजमा की ग्रेवी थोड़ी थिक भी हो जाएगी। अब इसमें 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे, जिसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, और अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ढककर 4 से 5 मिनट के लिए पकने देंगे, जिससे ग्रेवी का टेस्ट राजमा में अच्छे से आ जाए। 5 मिनट के बाद ढक्कन खोल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए, राजमा की ग्रेवी भी थोड़ी गाढ़ी हो गई है और कंसिस्टेंसी भी आप देख सकते हो। अगर आपको थोड़े पतले चाहिए तो आप 1/4 कप पानी भी ऐड कर सकते हो। अब हमारे राजमा बनकर रेडी है। अब राइस बनाने के लिए पैन में 1 टेबलस्पून ऑयल डाल देंगे और 1 टीस्पून घी डाल देंगे
और घी मेल्ट हो जाने के बाद एक टीस्पून जीरा डालकर जीरा को स्लो टू मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे। और ध्यान रखना है कि जीरा फ्राई करने वक्त जीरा जलना नहीं चाहिए। अब इसमें जो हमने बॉईल करके राइस रखे थे वो ऐड कर देंगे और आधी टीस्पून नमक भी ऐड करेंगे और राइस में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ध्यान रखना है कि राइस का दाना टूटना नहीं चाहिए। हल्के हाथ से मिक्स करेंगे जिससे राइस में जीरा और नमक अच्छे से मिक्स हो जाएगा और राइस का दाना टूटेगा भी नहीं। और गैस की फ्लेम मीडियम रखेंगे। सब मिक्स हो चुका है और आप देख सकते हो कि राइस एकदम खिले खिले बने हैं। अब गैस बंद कर देंगे और सर्विंग प्लेट में सर्व करेंगे। बहुत ही मज़ेदार गर्मा गर्म जैन राजमा चावल बन के रेडी है। तो प्लेट में पहले राइस सर्व करेंगे और साइड में राजमा भी सर्व कर देंगे। साथ में थोड़ा सा सलाद और रोस्टेड पापड़ हो तो खाने की मज़ा और बढ़ जाती है। तो आप भी ये राजमा चावल टेस्टी कॉम्बो को चौमासे के लिए या तिथि पे एक बार घर पर जरूर ट्राई करना। सबको बहुत पसंद आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।